दोस्तों, UDCRI में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे माइनर लीग क्रिकेट T20 का, जो नेक्स्ट मैच खेला जाएगा उस मैच के बारे में। तो ये मैच खेला जाएगा आपके एम्पायर स्टेट टाइटंस और न्यू जर्सी स्टेलियंस के बीच में। तो कौन से वो 11 प्लेयर्स होंगे दोस्तों, जिनकी जगह बन पाएगी हमारी प्राइम टीम में, उसके बारे में ही आपको बताएंगे डिटेल्स में। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना दोस्तों। स्किप करोगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप मिस कर जाओगे, तो स्किप मत करना और पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये वाला जो आइकन है, सब्सक्राइब का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है और नोटिफिकेशन को आपको ऑल कर देना है और वीडियो को एक लाइक कर देना है। तो सबसे पहले तो आप ये कर लीजिए, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। आपको पहला जो लिंक मिलेगा ना दोस्तों, इस वाले लिंक को जो मैं मार्क कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, इस वाले लिंक पे टैप करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि है @UDCRI, एक सेकेंड, तो ये दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम का पेज। आपको इस वाले लिंक पर क्लिक करना है, इस वाले, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना है डायरेक्टली और आके इस पर ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर जो ब्रॉडकास्ट का बटन आप दिख रहे हैं, नीचे जो ब्रॉडकास्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक इसी जगह पर आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, है ना। तो आपको ज्वाइन हो जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि टॉस के बाद जो फाइनल टीम आएगी, फाइनल अपडेट्स आएंगी ना, वो आएंगी सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर प्लेइंग 11 में कुछ भी चेंजेस हुआ, लाइनअप्स में कुछ भी चेंजेस हुआ और फाइनल टीम में हमें कुछ भी अपडेट करना पड़ा, तो आपको टेलीग्राम पे सब कुछ बताया जाएगा सबसे पहले। तो टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं आगे मैच की दोस्तों। चलिए बात करते हैं अभी इस मैच की। तो ये जो मैच है ना, ये 7:15 को स्टार्ट होगा। तो अभी चलते हैं मैच पर दोस्तों, उसके बाद क्रिएट टीम पर जाएंगे और फिल्टर लगाएंगे आपके EST की टीम के ऊपर। तो दोस्तों इनका पिछला मैच एक बार चेक कर लेते हैं। ये रहा इनका पिछला मैच। तो बारिश आ गई थी दोस्तों, इसलिए इनको विन डिक्लेयर कर दिया गया था DLS मेथड से दोस्तों। ओपनिंग कर रहे हैं आपके क्रिस्टोफर सबन पटेल के साथ, फिर कवारे पैथन, जेवन सेल्स, मणिगांग रेड्डी, याशित पेरेरा, उसके बाद डी गांधी और अमन पटेल, कुछ इस तरह से इनकी बैटिंग लाइनअप है। बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग पे आपके जेवन सेल्स 4 ओवर कर रहे दोस्तों, उसके बाद अंश पटेल ने 4 ओवर किया, डी सेलियन ने 2 ओवर, वाई परेरा ने 3, अमन पटेल ने 4 और थेनाकुन ने 3 ओवर बॉलिंग किया दोस्तों। इनको 3 विकेट मिले दोस्तों। यहाँ से मेरे टीम में जो होंगे ना, मैं यहाँ से जाऊँगा दोस्तों आपके सेल्स, अनिश पटेल, अमन पटेल और शान थैलन के साथ दोस्तों। कौन? जेबॉन सेल्स दोस्तों। कहाँ है? ये रहे जेबॉन सेल्स। उसके बाद अंश पटेल दोस्तों। कहाँ है अंश पटेल? ये रहे, ये मेरे टीम में होंगे पक्का। उसके बाद अमन पटेल और थेनाकुन। अमन पटेल दोस्तों, अमन पटेल कहाँ है? ये है क्या अमन पटेल? एक सेकंड, ये आ तो अंश पटेल है। तो कहाँ गए अमन? हाँ दोस्तों, अमन पटेल को मैंने नहीं लिया था दोस्तों, सॉरी, अनिश पटेल को नहीं लिया था। ये रहे अनिश पटेल दोस्तों, ये मेरे टीम में होंगे। तो उसके बाद हम शान थेनाकुन के साथ जाएंगे दोस्तों। थेनाकुन के साथ जाएंगे। कहाँ है थेनाकुन? आपके थेनाकुन कहाँ गए दोस्तों? ये रहे थेनाकुन दोस्तों। तो ये 4 प्लेयर्स यहाँ से इम्पोर्टेंट बन गए बॉलिंग सेक्शन में से। तो बैटिंग में हम किसको लेंगे ना, यहाँ से हम जिसके साथ जाएंगे ना, मैंने यहाँ से सवन पटेल को, जॉर्डन सेल्स को ले लिया, सवन पटेल को साथ में जाऊँगा दोस्तों। सवन पटेल या डी सालियन के साथ भी जा सकते हैं आप। डी सालियन बैटिंग कहाँ कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, डी सालियन के साथ नहीं जाएंगे। यहाँ से हम सी वेनतूल के साथ जाएंगे जो विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको दिए गए हैं। दोनों में से कोई भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो अभी के लिए मैं सेफ पिक क्रिस्टोफर के साथ जा रहा हूँ। मैं यहाँ से सेल्स के साथ गया। वाई परेरा दोस्तों, वाई परेरा बॉलिंग कर रहे क्या?
यसित पेरेरा दोस्तों, यार हाँ दोस्तों, तीन ओवर बॉलिंग करे ये मेरे टीम में पक्का होंगे। तो ये छह प्लेयर बन गए इंपॉर्टेंट इस टीम से, कौन? वंतूल, ए पटेल, थेनाकुल, साल्स, पेरेरा और ए पटेल दोस्तों। उसके बाद बाकी फिल्टर लगाएंगे हम न्यू जर्सी स्टेलियंस की टीम के ऊपर, यही है मैच इनका। तो इनके आपके ओपनिंग कर रहे डी रिकी दोस्तों, कैमरन डेलपोर्ट के साथ, फिर सेतेजा, मोनक पटेल, डेविस, यादरम, जेसी सिंह दोस्तों। बॉलिंग में आपके चार ओवर कर रहे हैं आपके जय सिंह, विगिन ने तीन ओवर किया, सचिन ने चार किया, डी जेविस ने चार किया, कैमरॉन डेलपोर्ट ने चार ओवर बॉलिंग किया दोस्तों, उसके बाद रेमोन ने एक ओवर बॉलिंग किया। मेरे टीम में ना यहाँ से रिकी होंगे, डेलपोर्ट होंगे, सेतेजा होंगे दोस्तों, तीनों मेरे टीम में होंगे। कौन? डेलपोर्ट, रिकी और सेतेजा दोस्तों। ये है क्या? ये छोड़िए, इनको भी डिटेल ड्रॉप करते हैं यहाँ से। फिर मेरे टीम में जो होंगे, मैं डी डेविस के साथ जाऊंगा, बॉलिंग कर रहे हैं डी डेविस। हाँ, डी डेविस बॉलिंग कर रहे दोस्तों। उसके बाद सचिन मारवा पल्लू, डी डेविस, उसके बाद सचिन मारवा पल्लू, ए विजिन, इन प्लेयर्स के साथ में जाऊंगा। तो आप एक प्रीव्यू देख लीजिए इस टीम का। तो कुछ इस तरह से मैं एक काम तो ज़रूर करूँगा, बोथ पर फिल्टर लगाएंगे। यहाँ से मैं अंश पटेल को नहीं, वाई पेरेरा को शायद ड्रॉप कर दूँ। वाई पेरेरा को ड्रॉप करके यहाँ से मैं जाऊँगा एम रामा, जे सिंह के साथ दोस्तों। हर एक मैच में विकेट निकाल रहे, मेरे टीम में पक्का होंगे। तो कुछ इस तरह से निकल के हारे हमारी टीम। बाकी अगर इसमें कुछ भी चेंज करना हो आपको, मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा। कहाँ बताऊंगा आपको? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर ही आपको हमारी फाइनल टीम मिलेगी, या हमारी डेमो टीम है दोस्तों। इससे आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो अगर चाहो तो। बाकी फाइनल टीम है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर बात करें कैप्टन और वाइस कैप्टन की, मेरे कैप्टन होंगे कैमरन डेलपोर्ट दोस्तों, इसमें कुछ दोहराए है नहीं। वाइस कैप्टन मेरे डी डेविस होंगे। तो आप एक बार प्रीव्यू देख लीजिए टीम का। बाकी इसमें अगर कुछ चेंज करना पड़े, मैं आपको टेलीग्राम पर हर एक अपडेट दे दूंगा। तो बाकी लाइक कर देना चैनल को, सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम से जरूर जाना। डिस्क्रिप्शन में जो पहला जो लिंक है ना दोस्तों, पिंड लिंक, वही है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक। टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको फाइनल टीम मिलेगी। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।